Hello friends, welcome to Learning Upfront Investing. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो यूनिक मोनोपोली स्टॉक्स लेके आए हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में और कोई स्टॉक चले या ना चले, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जरूर चलेंगे। और फ्रेंड्स, तब तक चलेंगे जब तक इंडिया में स्टॉक मार्केट चलेगी। और फ्रेंड्स, मैं देख सकता हूं कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में बहुत बहुत नेसेंट स्टेज में है, यानी कि बहुत स्टार्टिंग बिगिनिंग फेज में है। तो फ्रेंड्स, अभी इस इंडस्ट्री को बहुत लंबा सफर तय करना है। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी, इन दोनों स्टॉक्स को डायरेक्ट फायदा मिलता जाएगा। और फ्रेंड्स, इनके प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगी और साथ में बढ़ेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, पहला स्टॉक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, पहला स्टॉक है CDSL। और फ्रेंड्स, CDSL इज नाउ फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया टू अचीव 7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहली उपलब्धि है CDSL के लिए। और फ्रेंड्स, ये इकलौती ही ऐसी डिपॉजिटरी है जो शेयर मार्केट को लार्ज स्केल पे कैटर करती है। दोस्तों, इंडिया में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, या ये कह लीजिए इनडायरेक्टली, डीमैट अकाउंट्स का नंबर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ खुलवा लीजिए, ये आपके सामने लिस्ट है। फ्रेंड्स, सभी की डिपॉजिटरी CDSL के ही पास है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट CDSL को ही होगा। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आपका डीमैट अकाउंट भी इसी लिस्ट में से किसी ब्रोकर के पास होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस लिस्ट में अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका ब्रोकर इस लिस्ट में है तो इसका मतलब आप CDSL की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। और दोस्तों, हमने इसीलिए कहा था कि जब तक शेयर मार्केट, जब तक स्टॉक मार्केट चलेगी, तब तक CDSL जरूर चलेगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट कैपिटल देख लेते हैं CDSL का। 12,464 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और 1,193 पे ये ट्रेड कर रहा है। और ऑल टाइम हाई देखिए फ्रेंड्स इसका, 1,734। तो फ्रेंड्स, ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे खासे 30-40% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पीई की बात करें तो ऑलमोस्ट 41 का है। और दोस्तों, ROCE 42% और ROE 31.6%। और फ्रेंड्स, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 20% दिख रही है। और वो क्यों दिख रही है, ये हम आगे वीडियो में समझाएंगे आपको, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ की। तो लास्ट 10 इयर्स में से 19% का सेल्स ग्रोथ क्लॉक किया है, लास्ट 5 इयर्स में 30% का, लास्ट 3 इयर्स में 41% का। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक करें तो लास्ट 10 इयर्स में 20% की ग्रोथ, लास्ट 5 इयर्स में 29%, लास्ट 3 इयर्स में 40%। और फ्रेंड्स, बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट 10 इयर्स में इसे 19% का आरओई बनाई है, लास्ट 5 इयर्स में 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 इयर्स में 25%। और फ्रेंड्स, स्टॉक प्राइस एजीआर की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में 29%, लास्ट 3 इयर्स में 85%। और फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर से इसने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई है, इसका मतलब ये ऑल टाइम हाई से, जैसे कि हमने बताया था, काफी अच्छे डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेते हैं।
20% की इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स हैं, और फ्रेंड्स FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट 8.5% है, और DIIs की होल्डिंग देखिए फ्रेंड्स प्रमोटर से भी ज्यादा इसमें DIIs की होल्डिंग है, और इसीलिए हमने कहा था हम आगे चल के आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताएंगे प्रमोटर की होल्डिंग 20% क्यों है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टेक इसका स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, तो फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, और पब्लिक की बात करें तो 45% का स्टेक पब्लिक के हाथ में है। तो फ्रेंड्स स्टॉक का नाम आप जान चुके हैं, स्टॉक का नाम है CDSL। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर, लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक प्लीज करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें, और फ्रेंड्स आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कैम्स। फ्रेंड्स ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैटर करता है, और आप देख सकते हैं दोस्तों कैम्स इज इंडियाज लार्जेस्ट सर्विस पार्टनर टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। और फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज भी बहुत इनिशियल स्टेज में है इंडिया में। दोस्तों इंडिया में अभी बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों जब ये ग्रो करेगी इस स्टॉक का सेल्स और प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, और साथ में ग्रो करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स अभी आई थिंक काफी सूटेबल टाइम है इस इंडस्ट्री को टैप करने का, इस इंडस्ट्री में एंट्री लेने का। तो फ्रेंड्स CDSL और कैम्स दोनों फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ब्राइट स्टॉक हैं। फ्रेंड्स मार्केट कैपिटल देख लेते हैं, 10,920 का मार्केट कैपिटल है, और करंट प्राइस 2,230 का है, और फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई की बात करें तो 4,000 के आसपास का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन एंट्री अपॉर्चुनिटी ये प्रूव हो सकती है। फ्रेंड्स स्टॉक पीई की बात करें तो 40 के आसपास का पीई है, आरओसीई 63 के आसपास है फ्रेंड्स, देखिए शानदार, और आरओई 53। तो फ्रेंड्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस, प्रमोटर होल्डिंग्स 23%, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट 10 ईयर्स में 12% की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 5 ईयर्स में 13% की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 ईयर्स में 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट 10 ईयर्स में 19%, लास्ट 5 ईयर्स में 21%, लास्ट 3 ईयर्स में 38%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शानदार आरओई है फ्रेंड्स, लास्ट 10 ईयर्स में 36%, लास्ट 5 ईयर्स में 41%, लास्ट 3 ईयर्स में 45%, और लास्ट ईयर में 54%। और फ्रेंड्स अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो ये अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, और 3 ईयर्स इस बिजनेस को लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, इसलिए 3 ईयर्स का डाटा हमारे पास नहीं है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 23.74% का स्टेक है, FIIs के पास ऑलमोस्ट 30% का स्टेक है, DIIs का के पास 15%। तो फ्रेंड्स मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसका स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, और फ्रेंड्स पब्लिक के पास ओनली 32% का स्टेक है। तो फ्रेंड्स स्टॉक का नाम आप जान चुके हैं कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।